सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है बजाज पल्सर 220 एफ के बारे में। बाइक आज अपने पास फाइनली अवेलेबल हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आप लोगों की तरफ से 220 एफ की आ रही थी। तो आज अपन लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं क्या कुछ आप लोगों को 220 एफ में 2024 में देखने को मिलेगा, क्या लेटेस्ट प्राइसिंग रहती है, इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, आगे चल के एग्जॉस्ट नोट भी सुनने को आपको मिल जाने वाला है। कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो टोटल 3 कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहेगा। ये आपका ब्लैक ही रहेगा, उसके ऊपर स्टिकरिंग में डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि ये ब्लैक और ब्लू है, एक रहता है ब्लैक रेड एंड ब्लैक सिल्वर, इस टाइप से। टोटल 3 कलर ऑप्शन, सिंगल वेरिएंट, सेम ही इंजन के साथ आपको एवेंजर 220 सीरीज भी अवेलेबल रहती है, क्रूज और स्ट्रीट, वही सेम इंजन आपको यहाँ पे तीनों ही बाइक में, मतलब एक ही इंजन देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं की के साथ, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वेव की आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये रहा अपना पैटर्न, सो वेव की यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लिप ऑन हैंडल बार है, इग्निशन आपका रेगुलर जगह पे ही है, इग्निशन को कर लेते हैं ऑन। इस टाइप से कुछ MID का ये स्टार्टअप रहेगा, प्लस स्विचेस सारे ये एल्यूमिनेटेड वाले ही अपने रहेंगे। ब्लू बैकलाइट आपको यहाँ पे मिलेगा MID सेटअप में, MID यानी कि इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ इस टाइप से ये अपना पायलट लैंप्स ऑन रहने वाले। लाइटिंग सेटअप ओवरऑल आपको यहाँ पे मिलेगा हेलोजन में ही विद प्रोजेक्टर, तो हेडलैम्प का थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस इस टाइप से ये अपना फ्लेक्सिबल टाइप इंडिकेटर सेटअप मिल जाएगा, जैसा कि पल्सर 125 में भी ये रहा और पल्सर 150 में भी सेम ही सेटअप ये अपना अवेलेबल रहता है। लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स देख सकते हो आज भी वही है, जो एक सेमी फेड लुक या फिर कह सकते हैं आइकॉनिक लुक 220 एफ का चला आता था, वही वाला लुक आज भी यहाँ पे मिलता है, बट इंजन काउल भी एक ऐड हो जाता है। फ्रंट में इस टाइप से डार्क थीम के साथ अपना वाइजर आ जाता है, चेंज भी इसको आप लोग करवा सकते हो। यहाँ पे अपना एक बजाज का लोगो है, जेल वाला रियर व्यू मिरर, फोल्डेबल ये अपना दोनों पीस रहेगा। इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट हेड का एक ओवरव्यू बनेगा। क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है, रबर कवरिंग के साथ ये आपका मिल जाता है। नंबर प्लेट होल्डर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे रहेगा, एंड्यूरेंस का इंडिकेटर सेटअप अपना हो ही चुका है। इस टाइप से कुछ फ्रंट मड गार्ड है, स्टिकरिंग का काम सेंटर में ही एक अपना कार्बन फाइबर वाला मैट में स्टिकरिंग का आएगा, और यहाँ पे एक जो बॉडी कलर के अकॉर्डिंग अपना सेटअप रहेगा। इस टाइप से कुछ अलॉयज का शेप है, मैट ब्लैक में सभी कलर ऑप्शन में, और कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रिप वाला पैटर्न भी यहाँ पे आ जाएगा। 90 सेक्शन का फ्रंट टायर अपने को मिलता है, अभी ग्रेडिंग भी अपन लोग देख लेते हैं। इस टाइप से ये अपना टायर का पैटर्न है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सिंगल चैनल ABS के साथ बाइक अवेलेबल रहेगा, प्लस एंड्योरेंस का ही सस्पेंशन है, जो कि यहाँ पे मार्किंग है, और एंड्योरेंस की ही ब्रेकिंग भी ये अपने को देखने को मिलेगी। फ्रंट टायर की रीडिंग है 90 सेक्शन का फ्रंट में टायर है, और 120 के लगभग अराउंड अपना रियर वाला सेटअप रहेगा। रिफ्लेक्टर जता है, जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है, मड गार्ड एक्सटेंडर भी है, प्लस इस टाइप से ये आपका रेडिएटर रहेगा 4 लेयर वाला विथ कवरिंग, यानी कि विथ गार्ड के साथ ये आपका सेटअप रहेगा, और ऑयल कूलर का एक ये प्लास्टिक वाला पीस भी आ जाता है। सेमी फेयर लुक यहाँ पे मिल जाता है। इस टाइप से कुछ अपना साइड प्रोफाइल है बाइक का, सीट हाइट का कोई भी इशू नहीं होने वाला अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो। 790 mm का टोटल सीट हाइट है, सीट यहाँ पे मिलता है स्प्लिट में, कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लस फ्यूल टैंक जो है ये भी आपको मेटल में ही मिलेगा। हालांकि ये वाला पार्ट तो अपना फाइबर में ही है, जो कि ऑब्वियस है, बट फ्यूल टैंक यहाँ पे मेटल में ही अपने को ये मिल जाने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 13.5 लीटर, 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये मिल जाता है। सबसे कुछ अपना एक्सेलरेटर है, काफ़ी लाइट है, प्लस बार एंड आपको ये मेटल में ही ये चीज़ देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक पे कार्बन वाला ट्रीटमेंट आ जाता है स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए। गार्ड पे एक फ्यूल कैप, कुछ इस टाइप से E20 का स्टिकर, मैट ब्लैक, पल्सर की ब्रांडिंग डार्क क्रोम में, और स्टिकरिंग वाला यूज़ अपना आ जाता है। साइड पैनल पे ये आपको कार्बन फाइबर वाला काम देखने को मिलेगा, ये है आपका प्रॉपर डिपिंग वाला काम। रियर में यह आ जाता है आपका स्टिकरिंग, और ये है डिपिंग। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आइडिया, दोनों में 220 एफ की ब्रांडिंग आ जाती है। रियर फेयरिंग पे ग्रे ब्रेल्स ये आपको मिलेगा मैट ब्लैक में, जैसा कि फ्यूल कैप था, और हैंडल बार भी ये आपका मैट ब्लैक में ही है, तो ग्लॉसियो और मैट का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। रियर सस्पेंशन भी एंड्योरेंस का ही है विथ नाइट्रॉक्स और मल्टीपल एडजस्टमेंट, यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हो। ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला ये सेटअप है। रियर टायर की ग्रेडिंग है 120 80 17, ये रहा टायर का पैटर्न, थोड़ा सा एक ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर यहाँ पे मिल जाता है। रियर ब्रेकिंग की बात करते हो तो 240 mm का रियर में डिस्क है, वही एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ ये भी अपना सेटअप रहेगा। बाकी टेल लैम्प भी ऑन है इग्निशन के साथ, इंडिकेटर सेम है फ्रंट, रिफ्लेक्टर आ जाता है नंबर प्लेट का जो बल्ब है, ये भी अपना हेलोजन में ही रहेगा, और टेल टाइडी वाला यूनिट कुछ इस टाइप से अपना लुक बनेगा। एग्जॉस्ट भी कम्प्लीटली मैट ब्लैक में ही है, एक गार्ड यहाँ है, एक गार्ड आपका यहाँ है, हीट शील्ड एक ये छोटा पार्ट आ जाता है मेटल में, बाकी ग्लॉसी ब्लैक वाला ट्रीटमेंट ओवरऑल इंजन पे भी है, लेग गार्ड भी मिल जाता है, इंजन काउल भी है। अब बात कर लेते हैं इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सब कुछ ओवरऑल डिटेल्स की। सो
220 सीसी का ऑयल कूल्ड यहाँ पे इंजन मिलता है, 220 की प्रॉपर यहाँ पे इस टाइप से ये अपना मार्किंग भी रहता है। पावर रहने वाला है 20.4 bhp का और 18.55 nm का टोटल टॉर्क है। बाइक का टोटल वेट है 160 kg। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इंजन काउल होने के बाद आपका ग्राउंड क्लियरेंस बनता है 165 mm का, 165 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस बनता है। अपोजिट साइड भी कवर कर लेते हैं, फिर आते हैं MID पे और करते हैं बाइक को स्टार्ट। एक बार अपोजिट साइड से देखते हैं तो यहाँ पे साड़ी गार्ड आ जाता है, फुटरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। चेन का सेटअप ओपन वाला ही है, दोनों स्टैंड मिल जाते हैं, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, सिंगल हेड में गियर लीवर, 5-speed गियर बॉक्स के साथ बाइक अपना अवेलेबल रहता है। और इस टाइप से ये आपका इंजन का अपोजिट साइड से देखने में एक प्रॉपर लुक रहेगा। वही ग्लॉसी ब्लैक पैनल खोलने के लिए की होल यहाँ आ जाता है। अब आ जाते हैं स्विचेस सेटअप पे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक सेटअप मिल जाता है। ब्रेकिंग की ये मार्किंग आप लोग देख सकते हो, एंड्योरेंस प्रॉपर, सारे स्विचेस अपने इल्यूमिनेटेड वाले ही हैं। ये रहा क्लच का फील, काफ़ी लाइट है, या जैसे अपना पास वाला एक स्विच, तो कुछ इस टाइप से ये अपना प्रोजेक्टर ऑन के साथ लाइटिंग का थ्रू बनेगा। अभी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि डार्क ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ जैसे अपना हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, इस टाइप से ड्यूल बजर में काफ़ी लाउड और काफ़ी अच्छे साउंड का यहाँ पे हॉर्न भी मिल जाता है। राइट साइड पे किल स्विच है प्लस स्टार्टर, सो ये अपना स्विच सेटअप कंप्लीट है। एक बार MID का स्टार्टअप देख लेते हैं। यहाँ बिना कार्बन का यूज़ काफ़ी अच्छा मिलेगा। RPM मीटर यानी कि टैकोमीटर भी आ जाता है। ये अपना स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी दोनों देखने को मिलेगा। ऑडोमीटर है प्लस ये आपका फ्यूल गेज, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। अब चेंजेस करके देखते हैं, सो ये आ जाता है अपना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 1 ट्रिप 1 के अकॉर्डिंग, वही सेम ट्रिप 2 के अकॉर्डिंग और इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी। सो ये सब कुछ आपको यहाँ पे रहेगा MID सेटअप में। अब जैसा कि पल्सर 150 भी और बजाज की अदर बाइक्स भी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, जैसे कि NS200 भी, NS160 भी हुआ है, तो हो सकता है इन फ्यूचर 220F भी थोड़ा सा अपडेट्स के साथ अवेलेबल हो जाए, क्योंकि 150 जो आता था वहाँ पे MID सेटअप चेंज हो चुका है, जो कि सेम पहले यही वाला मिला करता। तो अब देखते हैं क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे होते हैं या फिर नहीं। अब कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट। सो थ्रॉटल का रिस्पांस काफ़ी लाइट है और काफ़ी क्विक भी है। इस टाइप से कुछ ये अपना प्रोजेक्टर सेटअप ऑन है। एक बार ये हाई बीम लो बीम वाला सेटअप देख लेते हैं। सो ये आ जाता है अपना रिफ्लेक्टर ऑन है, ये प्रोजेक्टर ऑन है, ये हाई बीम लो बीम वाला, ये अपना पूरा सेटअप रहेगा। थोड़ा सा रेव करके देखते हैं बाइक को। सो काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट 220F का आप लोगों को मिल जाने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है बाइक, अभी भी हो चुकी है स्पेशली E20 अपडेट्स के साथ। सो 1.74, 1,74,000 ऑन रोड जयपुर में, ये थी अपनी 220F। कमेंट में ज़रूर से बताना अगर बाइक आप लोगों को पसंद आई और क्या क्या अपडेट इस बाइक का आप लोग इन फ्यूचर देखना चाहते हो, वो चीज़ भी कमेंट में ज़रूर से मेंशन करना। करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को लाइक ज़रूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।